आज साहब क्या जबरदस्त बारिश हो रही है, देखना कितना जबरदस्त तूफान चल रहा है यहाँ पे। ये देखो पेड़ों की हालत देखो, कितनी तेज तेज हवा चल रही है और आवाज देखो कितनी भयानक आ रखी है भाई। क्या खतरनाक जगह मिली है, दिखाता हूँ। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो मैं रेडी हो चुका हूँ अपनी चिकमंगलूर ट्रिप के लिए। सो चिकमंगलूर में मई में भी जा चुका हूँ, लेकिन उस टाइम मैं सोलो गया था और इस बार मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। और कुछ ऐसे रेडी हो चुका हूँ मैं और टाइम हो रहा है 7:25 सुबह के। तो चलिए निकलते हैं और शुरू करते हैं इस व्लॉग को। और आज मैं अपनी गाड़ी से नहीं जा रहा, एक मैं दूसरी गाड़ी से जाऊँगा। इससे बस मेरे को थोड़ा सामान लेना है, एक तो अम्ब्रेला लेना है क्योंकि वहाँ पर बहुत बारिश हो रही है, और इसके अंदर ये भी ले लेते हैं। एक वाटर बॉटल है वो भी ले लेता हूँ। चलो भाई ऑल सेट। Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes. बारिश हो रखी है और सुबह ना लेट निकलने का ये दिक्कत है, देखो कितना ट्रैफिक हो गया है। अभी को बैंगलोर से बाहर निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो जाएगा। आज ये वाली गाड़ी में जा रहे हैं। It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come give me love. You know you're mine, baby. So come give me love. I never felt nothing quite like it. सुबह के 9:30 हुए हैं अभी और हम लोग पहुंच चुके हैं 89 किलोमीटर दूर। अभी यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर निकलते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब गाड़ी खुद चलाओ ना तब उतना आलस नहीं आता, तब और डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं लगता। और गाड़ी अगर कोई और चला रहा है ना तब ऐसा बहुत आलस भी आएगा और ऐसा लगेगा यार कितनी दूर जाना है अभी। तो चलिए यहाँ पे नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। बाकी सीनरी बहुत मस्त हो गई है क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है ना, बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग चल रही है। और भाई बैंगलोर टू चिकमंगलूर जाओ तो वैसे भी जो सीनरी है वो बहुत सुंदर है। चलिए आलन निकलते हैं यहाँ से। करके अपना ब्रेकफास्ट मैंने सिंगल इडली वड़ा किया, लक्षिता ने भी, और जतिन ने किया है मसाला डोसा, मसाला रोस्ट डोसा, और नेवी ने लिया है क्या नहीं भैया, मैं तो पहचान ही पाया, बस थोड़ा अलग है ना। अरे यार किसने वाला पार्टी का सर, एक ब्लैक कॉफी और कॉफी, हाँ, और तीन चाय, तीन चाय, वन विदाउट मसाला चाय, थे मसाला चाय सब विदाउट ठीक है। चलो भाई अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं और फिर फटाफट यहाँ से निकलते हैं। बढ़िया गाड़ी आज जतिन ही चलाएगा पूरे रास्ते। तुम ऑर्डर मत दिया करो, क्या ऑर्डर, कंफ्यूज करते हो। मैंने कंफ्यूज किया है आज, इसने कंफ्यूज किया किसको, उसको ये नहीं बोल सकते कि तीनों चाय विदाउट शुगर ले, हम अपने आप डाल लेंगे वन विदाउट शुगर, तू उसको समझ में ना आया हो चाय। भाई होटल का नाम है होटल द्वारका, खाना तो ठीक है, मतलब यार मेरे को बस एक ही वो लगता है ना कर्नाटका के जो सांभर होता है ना वो पता नहीं थोड़ा सा मीठा होता है, बाकी एक ही खाना एकदम फ्रेश और अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो कि बाथरूम क्लीन है इसके, जेंट्स वाला तो पूरा क्लीन था एकदम अच्छे से। और इम्पोर्टेंट वही होता है हाईवे पे जब रोड ट्रिप कर रहे होते हैं ना, तो यही चेक करना होता है कि बस बाथरूम क्लीन हो अच्छे से ना। बाकी देखो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और अब यहाँ से सीधे निकलेंगे, अब तो रुकना उकना है नहीं कहीं, बढ़िया अपना कंटिन्यू करेंगे। ये देखो बहुत धीरे धीरे बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। एक्चुअली
ये देखो पूरा होटल एकदम बढ़िया क्लीन है, हुआ नहीं हुआ तुम्हारा कम्प्लीट? जल्दी जल्दी यार, कौन नहीं पीने छीन रहा था क्या चाय? बदली और बहुत ज्यादा हैवी ड्राइवर आ चुका है, अब चलाने के लिए गाड़ी चल रही है, गाड़ी 200 में जैसे ही गाड़ी हाथ में आई तुरंत डाइवर्जन कांप गई लक्ष्य पीछे लाइन लगा के गाड़ी आ रही है, भाई बहुत गाली दे रहा हूँ। और इसी के साथ निवी ने भी अपना ड्राइविंग स्कूल ढूंढना शुरू, अब यही चलाएंगे गाड़ियाँ। मजा आ गया लौंडे, हैवी चला गाड़ी, ये देखो। अबे तू तेरे साथ से गाड़ी निकल रही है, तू डर क्यों रही है? हां तेरे साथ से गाड़ी निकल रही है, तू तो अपनी गाड़ी इधर उधर कर, यही तो सीखना है मतलब। अरे तेरे को कुछ करना ही नहीं है, तू भी चला दे, तुम अपनी लेन में चलते रहो ना। अभी मैंने बताया इनको कि मुझे डर क्या लगता है, साथ में से कोई निकलता है तो तेरे को लगता है डिवाइडर, नहीं डिवाइडर के पास, मुझे इन जनरल डिवाइडर के पास डर लगता है चलाने में। इसलिए नीवी का तो गाड़ी सामने से ट्रक आ रहा तो तू डर लगता है, सामने से ट्रक आ रहा है इसके ऊपर आ गया, वो लगता ही है सबको लगता है वो। मतलब जो नए ड्राइवर होते हैं उनको लगता है धीरे धीरे आदत हो जाती है, क्या लगता है इस गाड़ी को दबा लो कुछ भी करो इसको इसके ऊपर चढ़ा दो, सुबह डेली जैसे ये गाड़ी लेके निकली से फिर तो ठोक दिया, ठोक दिया इंश्योरेंस, तू मत ठोकियो किसी को बस, बाकी तो चलेगा। अबे तू इतने कौन सा, तू बहुत तेरी तरफ यार, इतने हाईवे पे थोड़ी ना चलाएगी गाड़ी तो, कि बहुत तेज ट्रक आ रहा है एकदम और तू एकदम ऐसी सिचुएशन में फंस गई है। अच्छा तो तुझे तो तुझे ओवरटेक करना क्यों मत करियो भाई, मौसम एकदम जबरदस्त हो रखा है, एकदम बेहतरीन। क्या स्पीड में चल रही हो तुम? कांस्टेंट स्पीड में चल रही हो, 70 अंदर नहीं पता चल रहा स्पीड का, ये देखो यहाँ पे 5 मिनट के ब्रेक के लिए रुके हैं, CCD दिखा यहाँ पे, वॉशरूम वगैरह यहीं पे यूज़ कर लेंगे क्योंकि इनके वॉशरूम थोड़े क्लीन होते हैं। और बस अभी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी, टाइम हो चुका है 12:30, बस पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में चिकमंगलूर। अभी एक लोकल रोड था वहाँ पे गाड़ी चला रहे थे, क्रॉस करेंगे फिर वापस से हाईवे शुरू हो गया है वाला।
अब तो बंद दिख रहे हैं, इसमें चलना कौन से वाले पे? ग्रीन वाले पे देखो, तीन ग्रीन है भाई साहब, एक खाली पड़ा हुआ है, इधर चलते हैं। भाई ड्राइविंग सीट आ गई है अपने पास, ड्राइविंग सीट है, और अभी 56 किलोमीटर बचा हुआ अपना रिजॉर्ट, नहीं रिजॉर्ट ना, रिजॉर्ट बचा हुआ 56 किलोमीटर, बाकी रोड बेहतरीन हो रखा है। मैं सब चला, ये चलान कह रहा हूँ, चलान काट लो, मैं कह रहा हूँ टोल काट लो, जो पुलिस वाले होते हैं ना, जो अगर तुम्हारा स्पीडिंग कर रहे हो तो वो हमेशा टोल के पास खड़े होते हैं चलान काटने। हमें गोवा से आ रहे थे ना तो रोक रहे थे, वही तो चलान स्पीडिंग करनी नहीं चाहिए ना, स्पीडिंग करनी नहीं चाहिए, गलत है, बहुत गलत है, 80 इज द बेस्ट लिमिट। मैं तो बहुत धीरे चलाता हूं, ये देखो कितने सही सही सीनरी है रोड साइड। खतरनाक जगह मिली है, दिखाता हूँ अभी, एक छोटा सा ब्रिज है और देखो उसके पास से नदी कैसे जा रही है, ऑलमोस्ट उसी के ऊपर आ चुकी है, ये देखो देखो, बिल्कुल पानी ऊपर आने वाला है, ओवरफ्लो होने वाला है, एकदम ऐसे हो गया। अच्छी खासी स्पीड है इसकी, इतना डेंजरस लग रहा है यार ये, इसके ऊपर से अभी हम लोग गाड़ी निकाल के ले गए हैं ब्रिज के ऊपर से, और देखो पानी देखो कैसे, बस एकदम स्पीड देखो कितनी है, और ऐसा लग रहा है कि इसको बिल्कुल ऊपर ही चढ़ जाएगा। यहाँ देखो नीचे से निकल के आ रहे हैं ना, कैसे बुलबुले उठ रहे हैं, देखो देखो देखो, शिट देखो कैसी नदी है, एकदम छुपी हुई नदी है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, 10 मिनट के ऊपर अंदर, 10 मिनट के अंदर हम लोग अपने रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे, और बस फिर आज रिजॉर्ट में रेस्ट करेंगे। बहुत अंदर अंदर के रास्तों से लेके जा रहा है रास्ता ना, गूगल जो है गूगल मैप्स बहुत ही अंदर अंदर वाले रास्ते से लेके जा रहा है, देखो बिल्कुल इंटरनल रोड है। दो वाले रास्तों से निकल रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन झबरू पेड़ हो रखे हैं, गांव आ गया भाई, रिजॉर्ट बढ़िया होगा लेकिन कुछ भी गाँव अंदर, देखो कहाँ रास्ता मैप बताओ, सीधे जाना है राइट लेना है नीचे की साइड या मेन रोड पे रहना है, मेन रोड पे निकलना है। रिसेप्शन का तो उधर है, गाड़ी कहाँ लगाएंगे यार, यहाँ लगा देंगे तो भीग जाएंगे हम तो पूरा, जाती होगी ना गाड़ी रिसेप्शन तक सामान मान के लिए, हाँ पार्क हो जाएगी इधर लिया ना लेफ्ट, तो पूरा गीला हो जाएंगे भाई, बारिश हुई इतनी है, वहाँ छोड़ देता फिर मैं गाड़ी लगा दूँगा, गेट खुले हुए अंदर गाड़ी शायद नहीं जाएगी, रुक जाएंगे हॉर्न मार, कोई ना कोई तो आएगा, कॉल करूँ, गेट तो खुल गया, हाँ निकाल दे कट जाइए वहाँ, ये भैया लेने आया था, मुझे लग रहा है खुद ही पार्क कर देंगे फिर,
ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा ऐसे घुमा के लेके आनी है, हाँ घुमा के लाएंगे, ठीक है ठीक है। कैन यू टेक लाइक दिस एंड कैन यू पार्क इट हियर? हां हां कम सर, मिस्टर जतिन रे जतिन कम सर, टेक इट स्लोली, निकल काट दे पूरी पूरी। चलो चलो, है तो पूरा जंगल ही एकदम, चेक इन वगैरह कर लेते हैं, फिर बाद में दिखाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ रिजॉर्ट कैसा है, अभी चेक इन वगैरह करते हैं। चलिए सर, बंद छातर निकाल दे, बंद कर दे। हाँ सब कुछ वेलकम हो गया भाई। सुंदर है यार रिजॉर्ट, बहुत मजा आएगा, बारिश हो रही है बहुत तेज, बढ़िया करके आज यहीं पे स्टे करेंगे, आराम करेंगे, कल घूमने निकलेंगे फिर। अरे भाई कुछ ऐसा पाथवे बना हुआ है रूम में जाने के लिए, बारिश इतनी तेज हो रही है, ऊपर की साइड है अपना रूम, देखो ऐसे साहब क्या जबरदस्त बारिश हो रही है, देखना कितना जबरदस्त तूफान चल रहा है यहाँ पे, ये देखो पेड़ों की हालत, देखो कितनी तेज तेज हवा चल रही है और आवाज़ देखो कितनी भयानक आ रखी है, इस पेड़ को देखो अभी देखना पूरा खुल गया है। भाई साहब बहुत अच्छा वेदर हो रखा है यार, मजा आ गया।